के आश्रम में उज्जैन उन्हें विद्या प्राप्त करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया। संदीपनी मुनि के आश्रम में ही उनकी भेंट सुदामा से हुई। जब वापस लौट रहे थे तो माता ने गुरु दीक्षा में अपना मरा हुआ पुत्र मांगा, मुझे मेरा मरा हुआ पुत्र वापस चाहिए। प्रभु यमलोक से उसके मरे हुए पुत्र को जिंदा करके वापस लाए। वापस लौट करके मथुरा आ गए मेरे भगवान। मथुरा में मैया बड़े बड़े व्यंजन बना बना करके खिला रही है। आज माखन और मिश्री मैया ने सोचा कि ब्रज में मेरा लाला माखन खाता था, आज माखन और मिश्री का गोला देख करके थाली में मेरे प्रभु बिना खाए ही भोजन को छोड़ करके चले गए और एकांत में जा करके ब्रज को याद करने लगे। मैया समझ गई कि मेरे कन्हैया को, मेरे लाला को, कृष्ण को ब्रज की याद सता रही है। छत पर खड़े होकर वृंदावन की ओर देख रहे हैं, निहार रहे हैं। पीछे से उद्धव जी महाराज गए, कृष्ण क्या बात है, इस प्रकार दुखी क्यों हो? भगवान कहते हैं, उद्धव जी वो देखो जो धूल उड़ रही है ना, आपको दिखाई दे रही है? बोले हाँ कन्हैया, वो धूल मेरे ब्रज की गैयाओं की रज है, या समय मेरी गैया चर के वापस घर को लौटती हैं और उन्हीं गायों की धूल को मैं यहाँ तक देख रहा हूँ। हे उद्धव, मैं भले ही मथुरा आ गया हूँ पर मैं उन गोप गोपिकाओं का वो प्रेम आज तक भूल नहीं पा रहा हूँ। हे उद्धव, उनके लिए उनका तन मन धन में ही था, जब तक वो मेरे दर्शन नहीं कर लेते तब तक उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा अपार प्रेम। मुझे आज उनकी याद आ रही है कि वो मेरे बिना ब्रज में रह कैसे रहे हैं, जो एक पल मुझे अपनी आंखों के सामने ना देखकर बेचैन हो जाते थे, वो ब्रजवासी आज मेरे बिना ब्रज में कैसे रह पा रहे हैं? उद्धव जी महाराज ने कई प्रकार से ज्ञान से समझाया, तुम पार ब्रह्म हो, तुम्हें ये मोह प्रीत की बात करना शोभा नहीं देता, तुम तो नारायण हो, क्या इन गोपियों के चक्कर में पड़ गए हो, इनका प्रेम देख करके सब भूलते जा रहे हो कन्हैया, तुम पार ब्रह्म परमात्मा हो, तुम्हें इस प्रकार किसी के प्रेम की याद नहीं आनी चाहिए। कन्हैया ने कहा कि हे उद्धव, तुम कुछ भी कहो, उदो मोहि ब्रज विसरत नाही, कुछ भी कहो पर मैं माँ यशोदा का प्रेम कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे पीछे माखन का गोला लेकर के मैया दौड़ती फिरती थी। जब गोपियां मेरी शिकायत करती थी तो मैया सब जानती थी कि लाला ने माखन चुराया है, पर मेरी मैया ने मुझसे आज तक कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन मेरे मुंह पर माखन लगा हुआ देखकर फिर मैंने कह दिया, मैया मैं नहीं माखन खायो, तो मैया ने मान लिया। कैसे भूल जाऊं मैं उस यशोदा मैया का प्रेम रूप। नंद बाबा तो मुझे अपने कंधे पर पूरे ब्रज में घुमाते थे, कैसे भूल जाऊं? उद्धव जी समझा रहे हैं ज्ञान वेद वेदांत के हिसाब से। कन्हैया समझ गए, बोले ये ऐसे नहीं माने वो, या एक बार वृंदावन भेजना पड़े वो,
कन्हैया ने एक युक्ति निकाली, बोले भैया उठो, एक बार तनिक वृंदावन में घूम कर देख करके तो अयो कैसे हैं मेरे ब्रज के गोपी ग्वाल। और आज ब्रज की ओर निकल पड़े हैं उद्धव। और जो मथुरा से रथ आता हुआ देखा, सावला सलोना कोई आ रहा है कि आ गई ब्रज की गोपियां, झुंड बनकर रथ को घेर लिया। कौन हो तुम? जब हमारा कन्हैया गया था तो वो भी ऐसे रथ पर बैठ करके गया था, क्या तुम उसके कोई दूत हो? उद्धव जी महाराज कहते हैं कि गोपियों, मैं कृष्ण का मित्र हूँ और उसका संदेश आपके लिए लेकर के आया हूँ। गोपियों ने पत्र देखा तो छीन लिया, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए पत्र के, खींच रही हैं आपस में। उद्धव जी बोले ये तो बिल्कुल गवार है, पत्र फाड़ दिया। एक गोपी कहती है, बोले परसों की कहकर आज बरसों बीत गए, वो छलिया वापस नहीं आया, क्या हमें ये कहने के लिए भेजा है कि हम उसे भूल जाएं? जिस प्रकार उसको याद नहीं आती हमें भी ना आए। ब्रज गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी कह देना उससे जाकर के हम हमें भूल जाए, छोड़ करके चला गया ना वो, तो हमको क्यों भेजा हमारे लिए पत्र उस समय, हमारी चिंता छोड़। जब यहां से गया तो हमारी याद नहीं आई कि ये मेरे बिना ब्रज के गोप गोपी ग्वाल कैसे रहे। एक सखी बोली, सखी प्रेम का तो परिणाम यही है कि जिसने जिससे प्रेम किया है उसको अंत में ब्रह की पीड़ा से गुजरना ही पड़ा है। जो मैं सो जानती, जो मैं सो जानती के प्रीत करें दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती के प्रीत न करियो। पता होता कि उससे प्रेम करने से हमको ये दर्द मिलेगा तो हम उस काली कमली वाले से, उस मोहन मुरली वाले से कभी अपना इतना प्रेम नहीं जोड़ते कि वो हमें छोड़ करके चला जाएगा। और गोपियां कहती हैं क्या कहती हैं कि उद्धव जी